रेस्टोरेंट में मिलने वाला सांभर अगर आपको बहुत टेस्टी लगता है खाना तो ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर की रेसिपी, जो बहुत आसान है बनाना। इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस रेसिपी को बताया है, जिससे आप इसे आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए एक कप तुअर की दाल चाहिए, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। इस तरह से दिखता है ये। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे, तो 2 से 3 बार इसे रब करते हुए पानी से वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसे कुक करने के लिए प्रेशर कुकर में इसे ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब लगभग 5.5 से 6 कप तक आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आने तक कुक कर लेना है। दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा इतनी देर में। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। 3rd विसल जैसे ही आ जाएगा हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट विसल आ चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा इस बीच हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल गरम किया है। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें ऐड किया है 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना। ऐड करेंगे इसमें 4 सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे छोटी मिर्च है इसके लिए मैंने 4 डाला है, अगर आप लंबी वाली मिर्च ऐड कर रहे हैं तो 2 डालिए। अब डालेंगे इसमें हींग 1/4 छोटी चम्मच से कम। जैसे ही मसाला भुन जाए इसमें ऐड कीजिए 12 पत्ते कड़ी पत्ते के और 1 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइसिस में काट के। कड़ी पत्ता को आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा छिटकता है, तो इसके लिए मैंने प्याज के साथ ही उसे डाला है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनिए। 2 से 2.5 मिनट में आप देखेंगे प्याज का अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप किया है, ऐड कर देते हैं इसमें। और इसके साथ ही यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच के करीब हम नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टाइम भी कम लगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इतने में ही आप देखेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम लो है, 5 मिनट हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मशी हो चुका है, ये देखिए। तो टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे बाकी की सब्जियों को ऐड करेंगे, जो कुछ इस तरह से मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया है, जिसके छिलके को मैंने उतारा नहीं है, इस तरह से देखिए। आप चाहें तो इसे पील करके भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए ड्रम स्टिक। गाजर ले लिया मैंने, अभी सीजन में है तो बहुत अच्छे गाजर मिल रहे हैं। 2 बैंगन ले लिया है और 2 हरी मिर्च को रफली चॉप करके। इन सब्जियों के अलावा आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लौकी डाल सकते हैं, ग्रीन पीस ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। और जो सब्जियाँ मैंने ऐड की हैं उनमें से अगर आपको कोई पसंद ना हो तो आप उसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर भी गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इस तरह से भुनी हुई सब्जियों से जब हम सांभर बनाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सांभर बनाने का, जिसे आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे टेस्ट वाइज ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनती है। कवर कर दिया है मैंने, अब लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है इसे कवर करते हुए। तो यहाँ पर देखिए कितना मॉइस्चर रिलीज़ किया है सब्जियों ने। अब एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून सांभर मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने। ये होममेड सांभर मसाला पाउडर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप रेडीमेड सांभर मसाले पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से भून लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे इनमें से तेल अलग होने लगेगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मसाला भुन चुका है, अब डालेंगे इसमें 1/4 कप इमली का पानी। सूखी इमली को मैंने 1/4 कप पानी में सोख कर लिया था और थोड़ा सा रब करने के बाद उसे छान लिया है। तो इस तरह से पानी तैयार हो जाएगा।
अब इसे भी हम आधे से एक मिनट तक भून लेंगे। इमली का भी कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं, सब्जी अंदर से जूसी ऊपर से क्रंची, बहुत ही लाजवाब मसाला बनके तैयार हुआ है। अब बारी आती है इसमें दाल ऐड करने की, तो यहाँ पे प्रेशर निकल चुका है। ऐड करने से पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि एक सार हो जाए दाल। और अब इसे हम सब्जी में ऐड कर देंगे। इस तरह से अगर आप सांभर बनाते हैं तो टेक्सचर वाइज तो अच्छा होगा ही, टेस्ट वाइज भी बहुत ही लाजवाब बनता है। सब्जियां बिल्कुल उसमें पता चलती हैं, क्रंची लगती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। तो इस तरह से अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। मिला लेंगे सबको। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। लगभग 8 मिनट तक उबाल आने के बाद मैंने इसे और पकाया है। आप देख सकते हैं साइड से इसने तेल को पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अगर आपको हल्का सा मीठा सांभर पसंद हो तो इसी स्टेज पे आप उसमें एक गुड़ का टुकड़ा या फिर एक छोटी चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। मिला लीजिए सबको। और यहाँ पे आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ क्योंकि सांभर बिल्कुल बनके तैयार है, ये देखिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड नहीं किया है, दाल पकाते समय जो 5.5 कप पानी डाला था उसी से ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई है। हल्की से ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। सब्जियाँ पूरी तरह से दिखती हैं इसमें, बाहर से क्रंची बनी रहती हैं, तो इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है और टेस्ट तो जब आप ट्राई करेंगे तब आप फील करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे रेसिपी बनके तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे इडली के साथ, डोसा के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।